हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नितिका गोयल और आज हम इस वीडियो लॉग में एनडीए फर्स्ट 2018 के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। एनडीए का अगर आप ट्रेंड एनालिसिस देखें तो प्रीवियस क्वेश्चंस में, प्रीवियस पेपर्स में आप ये पाएंगे कि एनडीए के 10 टू 12 क्वेश्चंस हम लोग जीएस के पेपर में केमिस्ट्री के पाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली 10 टू 12 क्वेश्चंस का बहुत अच्छा नंबर वहाँ पर आप स्कोर कर सकते हैं। 2018 के एनडीए फर्स्ट के क्वेश्चंस में यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। पहले तो पहला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज ट्रू फॉर अ टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में इनमें से कौन सी बात सही है, क्या टूथपेस्ट का, जैसे कि आप ऑप्शंस देख सकते हैं यहाँ पर, ऑप्शंस गिवन है, इज इट एसिडिक, इट इज न्यूट्रल, इट इज बेसिक और इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट द मटीरियल ऑफ टूथ एनामल। ये चार ऑप्शंस है हमारे पास, राइट। एक छोटी सी बात जो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी ये कि बेसिकली इसका जो सही आंसर है, अगर मैं बोलूँ इसका सही आंसर जो है, दैट इज ऑप्शन सी। टूथपेस्ट जो है वो हमारा बेसिक होता है, जो टूथपेस्ट के अंदर जो भी हम डालते हैं, जो भी हमारे पास इंग्रेडिएंट होता है, वो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है और उसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि जो हमारे यहाँ टूथ कैविटी होती है, जो भी हमारे दांतों में टूथ कैविटी होती है, वो बेसिकली जब प्लाक जो मुंह में आता है, उस प्लाक के जो बैक्टीरियाज हैं, जब शुगर हमारे मुंह में वो ब्रेक करते हैं तो एक एसिड रिलीज करते हैं। अगर उस एसिड का ट्रीटमेंट नहीं हो टाइमली, तो बेसिकली वो एसिड जो है वही हमारे दांतों में टूथ कैविटी पैदा करता है। तो उस एसिडिटी को, जो बेसिकली एसिडिक रिएक्शन हमारे मुंह में होता है, उस एसिडिक रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही जो भी टूथपेस्ट हम लोग यूज करते हैं उसमें बेसिक सब्सटेंस यूज किया जाता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो सी है कि टूथपेस्ट जो होते हैं दोज आर बेसिक सब्सटेंसेस, राइट। सेकेंड क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, H+ आयंस का। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा वो ऑप्शन है जो हाइड्रोजन आयंस देता है सबसे ज्यादा। चार ऑप्शंस आपके सामने यहां पर हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लेमन जूस एंड गैस्ट्रिक जूस। यहां पर हाइड्रोजन आयंस की वो बात कर रहे हैं। देखिए, आप समझिए इस चीज को कि एसिड जो हम पढ़ते हैं, हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला, जो हम टॉपिक पढ़ते हैं, हम वहां पर ये चीज पढ़ते हैं कि जो एसिड्स होते हैं उनकी डेफिनेशन ही यही है कि वो सब्सटेंसेस हमारे, वो कंपाउंड्स हमारे, जो जब हम उनका सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं, उन्हीं को हम एसिड्स कहते हैं, राइट। तो एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करेंगे, एक बात तो यहां से पता चलती है हमारी। तो जो भी आपका पहला ऑप्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो एसिड है ही नहीं क्योंकि उसमें तो OH आ रहा है, NaOH उसका फॉर्मूला होता है, तो हम जानते हैं कि NaOH जो है क्योंकि उसमें OH ग्रुप सम्मिलित है, तो OH ग्रुप जो है वो बेसिक सब्सटेंसेस को दिखाता है यहां पर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है वो बेसिक सॉल्यूशन होगा कहीं ना कहीं, इसीलिए यहां पर हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं होंगे। सिमिलरली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की अगर हम बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ बेसिक सॉल्यूशन, वो भी कहीं ना कहीं बेसिक ही है, तो उसमें भी हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं हो सकते हैं। तो यहां पर दो ऑप्शंस हमारे पास बचते हैं, सी एंड डी, लेमन जूस एंड गैस्ट्रिक जूस। लेमन जूस, जैसे कि हम जानते हैं कि आप जानते ही होंगे कि लेमन में जो है वो खट्टापन आता है, वो खट्टापन हमारे एसिड की वजह से ही होता है। इसी तरह से गैस्ट्रिक जूस जो है, गैस्ट्रिक जूस का मतलब होता है आमाशय में, यानी कि हमारे जब हम डाइजेशन की बात करते हैं, खाना जो भी हमने खाया होता है उसे डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक में नेचुरली जो जूस प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस, राइट। तो ये बात हम अच्छे से जानते हैं, अगर आप लोग बायो के देखते रहे हैं, बायो पढ़ते रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हमारे स्टमक के अंदर बेसिकली जो गैस्ट्रिक जूस है, दैट इज एच सी एल प्रेजेंट इन दैट। तो HCl और लेमन जूस की अगर मैं बात करूं, तो इन दोनों में से हाई कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो HCl की होती है, क्योंकि HCl जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा एसिड माना जाता है। अगर यहां पर ऑप्शन H2SO4 होता और साथ में HCl होता, तो कहीं ना कहीं ये आंसर जो है ये चेंज हो जाता, ये बेसिकली बन जाता H2SO4, बिकॉज H2SO4 जो गैस्ट्रिक जूस से, वैसे तो अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और HCl की बात करें, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 गिव्स H+ आयंस जो देगा वो नंबर देगा 2, क्योंकि वहां पर H2SO4 है। अगर उसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो दो हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे एक सब्सटेंस से। सिमिलरली HCl की बात करेंगे तो एक हाइड्रोजन आयन मिलेगा। तो इन दोनों में अगर कंपैरिजन करते तो वहां पर हमारा आंसर H2SO4 होता कहीं ना कहीं, बट यहां पर H2SO4 गिवन नहीं है, इसीलिए यहां जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, गैस्ट्रिक जूस।
The next question is, brine is an aqueous solution of which of these following compounds? Options are NaCl, NaOH, NaHCO3 and Na2CO3. Brine solution की अगर बात करते हैं तो basically brine जो होता है that is aqueous solution of any salt और usually जिस salt की हम बात कर रहे होते हैं वो NaCl ही होता है but ऐसा नहीं कि हर वक्त हम NaCl ही वहाँ पर बोलते हैं naturally occurring brine is also available अगर आप बात करें ocean में bottom में जा करके ocean में अगर आप बहुत गहराई में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें brine solution मिलता है that too brine can be also obtained in salt lake also जो भी earth पर के crust पे lakes मौजूद है जो भी salt lakes मौजूद हैं उनमें भी हमें कहीं ना कहीं brine solution मिलता है तो basically brine का मतलब होगा वहाँ पर कि बहुत high concentration में जब भी किसी salt का solution बनाया जाता है तो उसे हम brine solution कहते हैं right तो यहाँ पर usually मैंने अभी बताया कि usually जो उसे use किया जाता है उसमें जिसे brine word जो दिया गया है basically वो NaCl के aqueous solution को दिया गया है तो यहाँ पर जो हमारा salt जो हमारा सॉल्ट जिसका जो हमारा राइट आंसर है बेसिकली वो ए है सोडियम क्लोराइड अगला क्वेश्चन है यहां पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन हम जानते हैं कि यूपीएससी में खास तौर पे अगर मैं एनडीए की बात करूं तो जो भी हमारे 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं एक ना एक क्वेश्चन जरूर इस चीज पर बेस्ड होता है केमिकल नेम्स केमिकल फॉर्मूले पर आपके क्वेश्चन जरूर होते हैं वहां पर या तो वो आपको केमिकल फॉर्मूला देगा और आपसे उसका बेसिकली कॉमन नेम पूछेगा या फिर वो कई बार कॉमन नेम देता है और आपसे उसका केमिकल फॉर्मूला पूछता है ये बहुत रिकरेंट क्वेश्चन है बार बार रिपीट होता रहता है तो केमिकल फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए यहाँ पर उसने हमसे वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला पूछा है वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला बेसिकली बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है दैट इज Na2CO3.10H2O यानी कि सोडियम कार्बोनेट जो आप हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट आप इसे बोलेंगे और जहां पर कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो इसमें है वो 10 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के तो Na2CO3.10H2O जो है वो वॉशिंग सोडा का सही केमिकल फॉर्मूला है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज कार्बन ब्लैक ऑब्टेन्ड एंड द ऑप्शंस गिवन टू यू आर बाय हीटिंग वुड एट हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर बाय हीटिंग कोल एट हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर बाय बर्निंग हाइड्रोकार्बन्स इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर एंड बाय हीटिंग कोल एट हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है अगर हम कार्बन ब्लैक बनाना चाहते हैं कार्बन ब्लैक अगर आप बनाना चाहते हैं उसका प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स को लिमिटेड सप्लाई के साथ अगर आप बर्न करते हैं तो जो रेजिड्यू जो बेसिकली प्रोडक्ट हमारे पास बनता है फाइनल जो हमारे पास प्रोडक्ट निकल कर आता है दैट इज कार्बन ब्लैक तो कार्बन ब्लैक बनाने के लिए बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग बर्न करते हैं विद द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर एब्सेंस नहीं है रिमेंबर दैट दिस इज नॉट एब्सेंस ऑफ एयर एब्सेंस ऑफ एयर का मतलब होगा कि बिल्कुल भी वहां पर आप ऑक्सीजन या एयर नहीं देंगे लेकिन लिमिटेड सप्लाई का मतलब है कि बहुत कम नेग्लिजिबल फॉर्म में वहां पर एयर या ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है पर होती जरूर है तो इसका ऑप्शन सी होगा यहां पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट ट्रू फॉर ग्रेफाइट ग्रेफाइट की अगर बात करें तो इनमें से कौन सी बात सही नहीं है राइट ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इज sp2 इलेक्ट्रॉन्स आर डी लोकलाइज्ड ओवर द होल शीट ऑफ एटम्स ईच लेयर इज कम्पोज ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ये हमारा डी ऑप्शन है यहाँ पर तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं हम पढ़ते भी आए हैं इस चीज़ को लेकर के ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है ये बात हम जानते हैं दो कार्बन एटम्स आपके पास इस फॉर्मेशन में रहते हैं तो वो हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है सी ऑप्शन की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड ओवर द होल शीट ऑफ एटम्स ये बिल्कुल सही है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पूरे बिखरे रहते हैं फैले रहते हैं लेकिन एक पैटर्न होता है सेट पैटर्न होता है वहां पर अगर वो हेक्सागोनल रिंग फॉर्म कर रहे हैं दैट मींस वो कहीं ना कहीं एक लैटिस फॉर्म कर रहे हैं यानी कि उनके जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो कहीं ना कहीं फिक्स हैं बट फैले पूरी तरह रहते हैं तो बेसिकली सी ऑप्शन भी यहां पर बिल्कुल सही है ऑप्शन बी की बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इज sp2 यस दिस इज करेक्ट जो ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर है दैट इज sp2 नॉट sp3 यहां पर ए ऑप्शन में sp3 गिवन है आपको तो बेसिकली ए ऑप्शन ही यहां पर गलत ऑप्शन है बिकॉज ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है यहां पर ठीक है तो ऑप्शन ए यहां पर सही ऑप्शन है जो ग्रेफाइट के बारे में गलत जानकारी दे रहा है
Next question is, which one of the following is the purest form of carbon? Purest form of carbon, अब बहुत से लोग कहेंगे कि diamond है या बहुत से लोग कहेंगे graphite है, पर ऐसा नहीं है. Basically diamond और graphite हैं तो सिर्फ carbon ही, there are only carbon, सिर्फ carbon की ही form है वो. लेकिन अगर हम purest form की यहाँ पर बात करते हैं तो आपके सामने options है charcoal, coke, fullerene and carbon black. तो fullerene जो substance आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, fullerene ही carbon की purest form होती है. उसमें purest form of carbon का मतलब है obviously उसमें कोई impurity नहीं होगी, ठीक है, उसका structure बहुत bounded होगा, वहाँ पर किसी भी impurity की, किसी भी बाहर के कोई भी substance की गुंजाइश नहीं होती. That is the purest form of carbon. And the next question is, the poisonous nature of carbon monoxide is due to its insolubility in water, ability to form a complex with hemoglobin, ability to reduce some metal oxides, या फिर property of having one sigma bond. तो carbon monoxide के बारे में हम एक बात बहुत बचपन से पढ़ते रहे हैं, बहुत छोटी classes में हमें जानकारी मिलती थी, हमें 7th 8th class में carbon monoxide के बारे में जब बढ़ाया जाता है तो ये साफ तौर पे बताया जाता था, एक example देकर जो बताया जाता था, that is कि अगर आप कभी भी सर्दियों में कमरे में अंगीठी जलाते हैं कहीं पर भी, तो आपको room के जो doors हैं या windows हैं वो पूरी तरह से बंद नहीं कर लेने चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई खिड़की या दरवाजा खुला रहना चाहिए. और उसके पीछे रीजन है, रीजन ये है कि बेसिकली आप जो एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं अंगीठी जलाने में, ऑक्सीजन सारी यूज हो जाएगी एंड देन यू विल बी एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड. तो रूम में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं हीट ट्रीटमेंट लेकर के कार्बन मोनोऑक्साइड में तब्दील हो जाती है और वो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के साथ जाके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती है और वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग क्रिएट करता है. ब्लड क्लॉटिंग की वजह से जब ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है तो हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है और ब्रेन हैमरेज होने की संभावना बढ़ जाती है. तो बेसिकली यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड का जो पॉइजनस नेचर है वो इस वजह से है कि वो दैट इट हैज द एबिलिटी टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विद द हीमोग्लोबिन. तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा सही आंसर है. Next question is, which one of the following alkali metals has the lowest melting point? इनमें से किसका सबसे कम melting point है? अगर आप इन elements को देखें तो sodium, potassium, rubidium और cesium की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एक ग्रुप के अंतर्गत, ग्रुप के अकॉर्डिंग इस तरह से चल रहे हैं. अगर हम पीरियोडिक टेबल याद करें तो उसमें सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रुबीडियम है, फिर सीजियम है, नीचे की तरफ चलते जाएंगे. और हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर इफ वी मूव अलोंग अ ग्रुप, अगर हम एक ग्रुप के अलोंग चलते हैं, एक समूह के अलोंग चलते हैं, तो ऊपर से नीचे जब हम आते जाते हैं तो जो हमारा एटम का जो साइज है वो बढ़ता जाता है. कहीं ना कहीं एटम का साइज बढ़ने का मतलब है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस से दूर होता जाता है एज वी मूव इन द ग्रुप. जैसे ही हम अगले अगले स्टेप में बढ़ते जाते हैं, एटम का साइज बढ़ता जाता है और बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर 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 होता जाता है. तो उसकी वजह से न्यूक्लियस की पकड़ कमजोर होने की वजह से, बाइंडिंग एनर्जी कमजोर होने की वजह से, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इजिली लूज हो जाते हैं, यानी कि उनका मेटलिक कैरेक्टर कहीं ना कहीं बढ़ जाता है वहां पर. तो यहां पर उसने बोला कि लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए. लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होने का मतलब ही है कहीं ना कहीं कि वो स्ट्रांग बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं बना सकते. स्ट्रांग बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं बना पाएंगे उसमें अगर आप देखते हैं तो सीजियम आपके पास एक ऐसा जो बेसिकली एलिमेंट है, वही एक ऐसा एलिमेंट है जो बेसिकली इन सब में सबसे कम स्ट्रांग बॉन्ड फॉर्म करेगा. अगर हम सोडियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें, तो ये तो बहुत अच्छे अल्कलाई मेटल्स हैं, ये बहुत अच्छे बॉन्ड्स बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग बनते हैं इनके, इसीलिए इनका मेटलिक पॉइंट भी, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है. लेकिन रुबीडियम और सीजियम एज कंपेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम, उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, राइट. तो सीजियम यहां पर सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट रखता है इसी वजह से, फाइन. तो इसका आंसर जो बेसिकली हमारे पास आएगा, दैट इज ऑप्शन डी. गाइज, अगर आपको ये वीडियो लॉग पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो लॉग से रिलेटेड कुछ भी और क्वेरी पूछनी है, कुछ भी कमेंट करना है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाएं, अपने विचार रखें वहां पर. और आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए हमारा, फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए. अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आगे कभी भी जो भी वीडियो लॉग हम लोग अपलोड करेंगे आपको उसकी जानकारी मिलेगी. थैंक यू.